कलर्स टीवी पर 31 जनवरी से फना इश्क में मरजावा शो ऑन एयर हो रहा है, जिसमें लीड रोल में एक्ट्रेस रिम शेख नजर आने वाली हैं। लंबे वक्त के बाद रिम किसी नए शो का हिस्सा बन रही हैं, जिसमें वो नए किरदार पाखी के रोल में नजर आएंगी। ऐसे में शो के पहले एपिसोड के ऑन एयर होने से पहले रिम ने अपने नए शो और नए किरदार पाखी के बारे में काफी इंटरेस्टिंग बातें बताई हैं, और ये भी बताया है कि आखिर उन्होंने इस किरदार को करने के लिए हामी क्यों भरी। जी हाँ, ई टाइम से खास बातचीत में अपने नए किरदार पाखी के बारे में बात करते हुए रिम ने बताया कि उनका किरदार शो में काफी पॉजिटिव भरा होगा। रिम कहती हैं, पाखी एक बहुत ही पॉजिटिव लड़की है, वो एक खुश आत्मा है और मुझे उसके बारे में ये काफी पसंद है। यही एक कारण है कि मुझे लगता है कि मैं उससे रिलेट करती हूँ। मैं यूनिवर्स की शक्ति में दृढ़ विश्वास रखती हूँ। मुझे लगता है कि मैं इस यूनिवर्स का पसंदीदा बच्चा हूँ। जब मुझे इस किरदार के बारे में बताया गया तो मुझे एक जुड़ाव महसूस हुआ, क्योंकि पाखी बिल्कुल मेरी तरह है। वही पाखी से जुड़ी और बातें शेयर करते हुए रिम बताती है कि पाखी के जीवन में कई मोड़ आएंगे। ये शो की कहानी है जो इसे बहुत दिलचस्प बनाती है। मुझे खुशी है कि मुझे इस किरदार के माध्यम से अलग अलग शेड्स निभाने को मिलेंगे। मैं इस तरह के किरदार को पर्दे पर निभाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि एक्टिंग मेरे खून में दौड़ता है। बिल भले ही रिम का किरदार पाखी शो में पॉजिटिव होगा, लेकिन जिस तरह से रिम ने अपने किरदार में अलग अलग शेड्स होने की बात कही है, ऐसे में साफ है कि उनका किरदार आगे चलकर काफी रूप बदलने वाला है। आपको बता दें कि रीम के अलावा शो में जैन इमाम और अक्षित सुखेजा भी लीड रोल में नजर आएंगे। जैन का किरदार शो में नेगेटिव शेड में नजर आएगा, जो कि पाखी के सरफिरे आशिक अगस्त्य के रूप में नजर आएंगे। तो वहीं अक्षित का किरदार शो में काफी पॉजिटिव होने वाला है। ऐसे में पाखी की जिंदगी में अगस्त्य कैसे अफरा तफरी मचाता है, ये देखने वाली बात होगी। आपको बता दें कि फना शो कलर्स टीवी के पॉपुलर शो इश्क में मरजावा की थर्ड इंस्टॉलमेंट है। ऐसे में सभी को उम्मीद है कि पिछले दो सीजन की तरह तीसरा सीजन भी काफी धमाल मचाएगा और टीआरपी में वाह वाही लूटेगा। वेल, आप कलर्स टीवी के नए शो फना इश्क में मरजावा के पहले एपिसोड को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, बताइएगा जरूर नीचे कॉमेंट सेक्शन में।